भरूच रेलवे स्टेशन पर प्रदेश भाजपा ना अध्यक्ष सी आर पाटिल नु भारतीय जनता पार्टी ना आगेवानो भव्य स्वागत कर्यु हतु। आ प्रसंगे सी आर पाटिले कह्यु हतु के हवे बीटीपी नो सफायो थई रह्यो छे अने छोटू भाई नो सूर्य अस्त थई रह्यो छे। भरूच जिल्ला मा भारतीय जनता पार्टी नो भगवो लहेरायो छे। जिल्ला पंचायत तालुका पंचायत अने नगरपालिका मा भारतीय जनता पार्टी ने लोकोए खूबे खूबे भरीने मत आप्या छे। खोबा तो नहीं कहेवाय परंतु गुणो भणीने मत आप्या होय तेवू हालना तबक्के लागी रह्यु छे। त्यारे आज रोज भरूचना रेलवे स्टेशन खाते भारतीय जनता पार्टी ना प्रदेश अध्यक्ष सी आर पाटिल नु भव्य स्वागत भारतीय जनता पार्टी ना आगेवानो द्वारा करवामां आव्युं हतुं, जेमां छोटूभाई वसावा सामे पण भारे टिप्पणी करीने सी आर पाटिले कही नाख्युं हतुं के हवे छोटूभाई नो वारो छे। त्यारे आ प्रसंगे भारतीय जनता पार्टी ना आगेवानो एवा मारुतिसिंह अतोडरिया, सांसद सभ्य श्री मनसुखभाई वसावा, भारतसिंह परमार सहितना भारतीय जनता पार्टीना आगेवानो कार्यकर्ताओए भरूच रेलवे स्टेशन ऊपर ढोल नगारा साथे प्रदेश अध्यक्ष सी आर पाटिलनुं भव्य स्वागत कर्युं हतुं। तेओ द्वारा पत्रकार साथे टूंकी वातमां जणाव्युं हतुं के भरूच जिल्लानी प्रजाए जे भारतीय जनता पार्टीमां विश्वास मूक्यो छे ते बदल तेओ आभार व्यक्त करीने तेमना विश्वास पर खरा उतरशे। साथे तेमणे भरूच जिल्लामां छोटूभाई वसावा निहार आगामी समय में नक्की छे, तेमना पुत्र पत्नी हार्या छे अने हवे छोटू भाई नो वारो छे, एम सी आर पाटिल द्वारा कही नाखीने संकेत आपी दीधो के आगामी विधानसभा में छोटू भाई माटे जीतवू मुश्किल बनशे। भारतीय जनता पार्टी में विश्वास मूक्यो छे अने एटले ज भारतीय जनता पार्टी ना सौ आगेवानोनी, सौ कार्यकर्ताओनी, सौ चूंटायेला प्रतिनिधिओनी जवाबदारी छे के लोकोनो विश्वास तूटवा नहीं दईए। तो सौ चूंटायेला प्रतिनिधिओ અને ભારતીય જનતા પાર્ટીના સૌ પદાધિકારીઓ લોકોની અપેક્ષાઓ પૂર્ણ કરવા માટે પ્રામાણિકતાથી કામ કરશે અને એમને પરિણામ આપશે, એમની અપેક્ષાઓ પૂર્ણ કરવા માટે પ્રામાણિક પ્રયત્ન પણ કરશે અને રિઝલ્ટ પણ આપશે। ફરીથી હું આપના માધ્યમથી ભરૂચ જિલ્લાના સૌ મતદાતા ભાઈ બહેનોનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું, જે રીતે એમણે જબરજસ્ત સમર્થન આપ્યું છે અમે પણ એ રીતે એમની અપેક્ષા પૂર્ણ કરવા માટે પૂરી તાકાત આપીશું। ધન્યવાદ। બીટીપી ધીમે ધીમે અસ્ત તરફ જઈ રહી છે, છોટુભાઈની પત્ની પણ હાર્યા, છોટુભાઈના દીકરો પણ હાર્યો, હવે છોટુભાઈનો વારો છે।